गाइस जस्ट अभी पहुंचे हैं। अब मुझे पता नहीं इसमें से कितनी मेरी आवाज़ आ रही होगी कितनी नहीं आवाज़ आ रही होगी, बट यस अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं। किसी तरह पूरा पसीना पसीना हो गए भाई गॉड। आ जाओ गाइस आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं मामला। अद्विक सिंह क्या कर रहे हैं आप बैठे हैं? तो गाइस ये रहे अद्विक सिंह फिलहाल फ्रूटी पीते हुए। तो अभी जरा सबको सेटअप वगैरह कर देते हैं। अभी आप लोग अगर देखोगे तो कुछ भी सेटअप वगैरह नहीं है, देखिए तो फटाफट सेटअप कर देते हैं है ना, उसके बाद आप लोगों से करते हैं फिर से मुलाकात। अद्विक कुछ लाए आपके लिए। तो गाइस फिलहाल खाना लग चुका है, ये रहा हम लोगों का खाना, आप लोग देख सकते हो तहरी और सैलेड। ये रहे अद्विक, ये रहा मैं और पीछे है प्रियंका जो खाने की तरफ घूर रही है। फिलहाल हम लोग खाना पीना करते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस सब लोग खाना पीना कर चुके हैं, अभी फिलहाल ये डिसाइड हो रहा है कि कौन कहाँ पे सोएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर सो जाता हूँ और अद्विक और प्रियंका नीचे सो जाएंगे। अद्विक कहाँ पे सोना है? नीचे मम्मी के पास। पक्का? हाँ। श्योर? हाँ। लॉक कर दिया जाए। प्रियंका और अद्विक दोनों सो गए हैं, मैं भी एक्चुअली मैं सो गया था पर मेरी नींद थोड़ी खुल गई। अद्विक ने बहुत देर तक जगा था, मैं भी जगा, प्रियंका भी जगी, बहुत देर तक बातें भी हुई और फिर सो गए। पता ही नहीं लगा कि कब सो गए। ठीक है अभी फिलहाल सुबह उठेंगे और तब आप लोगों से बात करते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मॉन्स। तो जस्ट अभी सोकर उठा हूँ मैं। अद्विक जल्दी उठ गए थे, प्रियंका भी जल्दी उठ गई थी, तो ये फिलहाल ऊपर आ गए हैं अपने पापा जी के पास। तो अभी प्रियंका के पापा आने वाले हैं और फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पहुँचेंगे प्रियंका के घर, जो कि यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर है गाड़ी में। ठीक है नाना से मिलोगे? हाँ। मिला नाना से? हाँ। वेट कर रहे हो? नहीं मैं तुरंत जा रहा हूँ। तो एक हफ्ता हम लोग यहाँ पर प्रियंका के घर पर रुकेंगे और उसके एक हफ्ता मेरे घर पर जाएंगे। ये दो हफ्ते का प्लान है, थोड़ा सा पारिवारिक समय बीतेगा, सब लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। ये देखो गाइस क्या चल रहा है। जस्ट अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, अभी सामान वामान रखा है, अभी सब लोग नहाने के लिए निकले हैं, अभी मैं भी जल्दी से फिर नहा लेता हूँ। तो नाश्ता पानी करने के बाद एक्चुअली में हम लोग सो गए थे और सोने के बाद थोड़ी देर पहले ही उठे हैं सब लोग, फिर नहाए धोए, अब थोड़ा सा बाहर निकले हैं। बहुत ही अच्छा सनसेट हो रहा है, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो अभी फिलहाल सनसेट को इंजॉय करने के लिए आद्विक प्रियंका और मैं छत पर आए हुए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे और फिर देखते हैं। आज रात में कुछ अच्छा बनाने का मूड है, बट यस आज सासू माँ बनाएंगी फिलहाल, कल देखते हैं, कल कुछ नॉनवेज बनाने का प्लान है तो देखते हैं, अगर बनेगा तो फिर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो यहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह से जब से आए हैं तब से हम लोग एसी में ही बैठे हुए हैं। लाइट का भी बहुत ही ज़्यादा इशू है यहाँ पर, लाइट जो है वो दिन में काफ़ी ज़्यादा जाती है सुनने में आया है और रात में रहती है प्रॉपर, पर यस दिन में बहुत बार जाती है। तो यस फिलहाल अद्विक यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो अद्विक।
ये जो टाइम है ये एक्चुअली में आम का टाइम है, तो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उसमें मोस्टली आम लग चुके हैं। तो अगर आपको मैं हल्का सा दिखाऊं इधर, तो आप लोगों को बहुत सारे बैकग्राउंड में पेड़ दिखाई पड़ रहे होंगे जिसमें बहुत ढेर सारे आम लगे हुए हैं। हम लोग जब ट्रेन से आ रहे थे ना, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा टेस्ट करने के लिए बहुत ही दूर लगे पेड़ में जितने भी आम थे ना उनकी एक फ़ोटो खींची, और एक्चुअली में फ़ोटो बहुत शानदार आई है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ महीने पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। तो आई होप ये जो दो हफ्ते की वेकेशन है प्रियंका और मेरे लिए, वो उसे प्रियंका अच्छा महसूस करें। काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने परिवार वालों को भी दें, क्योंकि हर वक्त काम करते रहना, आप लोगों को पता है कि प्रियंका भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, तो हर वक्त जॉब के वक्त ना एक फैमिली से थोड़े से दूरी बन जाती है। आप बार बार उनसे मिल नहीं पाते हो, उनको अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हो। तो ये सब जो छोटी मोटी वेकेशंस होती है ना, उसमें थोड़ा सा पारिवारिक सुख जो हमें प्राप्त होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मज़े कर रहे हैं वो हैं अद्विक। आम तोड़ना, अलग अलग तरह की सब्जियाँ तोड़ना, वो सारे काम जो हैं वो अद्विक को आज आई थिंक शायद पहली बार करने को मिल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो फिलहाल अभी उसी में लगे हुए हैं। बहुत तरह की यहाँ पे सब्जियाँ भी हैं, बहुत तरह के यहाँ पे फल फ्रूट भी हैं। आम सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स अद्विक को बहुत पसंद भी हैं आम। यस, संडे पूरे दिन भर हम लोगों ने खूब मस्ती करी है। अद्विक बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे। एक्चुअली में उनके नाना जी की शॉप है यहाँ पे, तो उसमें बहुत सारे टॉयज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको वो खुद ही अनबॉक्स करके खुद ही खेल लेता है, तो आधा नुकसान तो वही करा रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं मछली मार्केट, वहाँ पर थोड़ी सी मछली बाय करेंगे, और आज मछली का प्लान है पूरे घर बार का खाने का। एंड यस, आज मदर्स डे भी है, तो थोड़ा सा केक वगैरह लेकर आएंगे जिसमें प्रियंका की मम्मी के साथ थोड़ा सा मदर्स डे मनाया जाएगा। मैं भी अपनी मम्मी को कॉल करूंगा और फिर साथ में केक कटिंग करेंगे। चलिए, फिलहाल हम लोग वहां पर आ गए हैं जहां से हम लोग मछली लेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट बोली जाती है ये मछली की। तरह तरह की मछलियाँ अवेलेबल हैं, यहीं पर पॉन्ड भी है जहाँ से ये लोग मछली लेते हैं और ये बेचते हैं। यहाँ पर आई थिंक ये सबसे बड़ी मार्केट यही है शायद। अभी फिलहाल हम लोग मछली लेकर आ चुके हैं घर, और यहाँ पर जितने भी खेत खलियान हैं वहाँ पर थोड़ा सा वॉक ले रहे हैं। तो अद्विक अपने टमाटर वगैरह सब तोड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टहल रहे हैं। बहुत सारे पेड़ हैं और सामने सामने फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो उनको देखकर अद्विक का भी मन डोल रहा है कि लाओ ज़रा तोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। सब्जी तोड़ी आपने? सब्जी? इतनी सारी सब्जियाँ खेतों से तोड़ी आपने? हाँ। अकेले वो भी? Oh my God! अबे मैं नींबू तोड़ूंगा। कितनी फ्रेश सब्जियां हैं यार। तो गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं प्रियंका का एक बहुत पुराना घर था जहां पर वो लोग पहले रहा करते थे गांव में, तो वो घर में अभी कोई फिलहाल रहता नहीं है,
वो घर पूरी तरह से टूट चुका है, काफ़ी पुरानी इमारत थी इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वहीं पर जा रहे हैं देखने के लिए। और प्रियंका और प्रियंका का पूरा घर जो है वो वहीं पर रहता था पहले। जस्ट अभी वहाँ से होकर आए हैं जो उनका पुराना घर था प्रियंका का। भाई बहुत डरावना था, बाय गॉड उसको देख कर ना मुझे लास्ट ऑफ अस पार्ट टू की याद आई थी, जिस तरह से उसमें घास वास लगी हुई थी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को वैसा लगा कि नहीं लगा, बट वहाँ पे जितनी भी घास उस बिल्डिंग पर छा चुकी थी ना, वो सब देख कर मुझे लास्ट ऑफ अस टू की याद आई। आई मीन किसी से बोला नहीं मैंने, बट फिर भी बहुत डरावना था, लेकिन बहुत डरावना था यार वो घर में अगर रात में रुकने को मिल जाए ना, अरे बाप रे बाप, नाइट मेरे भाई। तो गाइस अभी फ़िलहाल पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। खाना खाएंगे उसके बाद फिर निकलेंगे रात में। ये बताओ नाना नानी आपके कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ। बहुत अच्छे हैं? हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? हाँ। वेरी गुड। फिलहाल खाना पीना हो चुका है सब लोगों का, खा पी कर थोड़ी देर बाहर आके सब लोग आईपीएल मैच देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है। बट यस, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। कल हम लोगों को यहाँ से निकलना है, कल यहाँ से निकलेंगे मेरे घर के लिए। तो ये जो अगला हफ्ता है वो पूरा का पूरा मेरे घर पर ही बीतने वाला है, वहाँ पर दूसरा कॉन्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यस, तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, स्टेशन जा रहे हैं सीधा। फ्लाइट निकलते हैं, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। तो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मेरे घर के प्लेटफॉर्म पे, हम लोग आ चुके हैं आई मीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ से निकलने वाले हैं, रात के 11 बज रहे हैं। तो यस, अब यहाँ से निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे घर। सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब सीधा सभी लोग जा रहे हैं सोने के लिए। कुछ लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, वो लोग खाएंगे, मैं फिलहाल जा रहा हूँ सोने। उठते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। पता नहीं मैं कितनी रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा भाई तो यहाँ पे। चलो गाइस, गुड नाइट। तो आज है मंडे, बहुत सारी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं कर नहीं पाया। कल अदि का बर्थडे था, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, जिसमें कुछ लोग आए थे, खाने पीने का प्रोग्राम था, केक कटिंग थी, हाँ छोटा मोटा सेलिब्रेशन था, वो सब हम लोगों ने किया। आज थोड़ा सा वॉक पर आए हुए हैं मैं, प्रियंका और अद्विक। फ़िलहाल यहाँ पर वॉक करेंगे कुछ देर और फिर थोड़ा रात हो जाने के बाद वापस चले जाएँगे घर। ऐसा मैं घर की छत पे आया हुआ हूँ और बहुत टाइम बाद ठंडी ठंडी हवा लग रही है। उठते हुए बाहर आप लोगों को बता रहे होंगे कि यहाँ काफ़ी ठंडी है। तो अभी फ़िलहाल शाम का वक्त है, तकरीबन 7:15 बजे हुए हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने रील अपलोड की है अभी और फिर ऊपर आ गया मैं थोड़ी देर के लिए, सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ और आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है मेरी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मम्मी पापा उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि आप बात बात में कैमरा निकाल रहे हो, है ना, साथ में कैमरा है अगर बात भी कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट यस, मैं मेनली चीज़ें जितनी भी हैं वो सब लिए ले रहा हूँ कैमरे में, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहे।
तो गाइस अभी 12 बजने वाले हैं, अगर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो, 12 बजने वाले हैं और सभी लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अद्विक, मम्मी, प्रियंका और मैं, लास्ट मैच होने वाला है। 2-2 का बराबर चल रहा है, अब देखते हैं ये वाला मैच कौन जीतता है। फिलहाल अद्विक सिंह कुछ बोलना चाहते हैं। तो इस बार कौन जीतेगा ये वाला मैच? मैं जीतूंगा। तो अद्विक मेरी साइड है, मम्मी एंड प्रियंका एक साइड में हैं और ये हमारा आखिरी मैच शुरू होने जा रहा है। भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है, ये देखो, ये मम्मी और प्रियंका के टोटल हैं और ये हम लोगों के हैं, भाई पिद्दी भर के। देख, ओह माय गॉड, भाई बहुत बुरी तरह हारे हैं, बहुत ही कम हम लोग कर पाए। तो कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो जस्ट अभी ऊपर आया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत भयानक स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर पहले ना एकदम से मौसम काला काला हो गया, बादल बहुत तेज भागने लगे, तो मैं दौड़ता हुआ आया, मुझे लगा कि बारिश होने वाली है, तो बारिश हो रही है। फिलहाल ये देखो आप, बारिश हो चुकी है ख़त्म, साथ ही साथ वेकेशन भी ख़त्म हो चुकी है। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं वापस दिल्ली के लिए। अद्विक को हम लोग यहीं पर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपने दादा दादी के पास अपना समर वेकेशन एंजॉय करें और फिर एक महीने बाद हम उन्हें वापस से दिल्ली लेने आ जाएंगे। यहाँ पर सुबह सुबह उठ के थोड़ी देर बाहर आओ, और बाहर आने के बाद ये है वो झूला जहाँ पर मैं, प्रियंका, मम्मी, पापा, आई मीन जो भी यहाँ पे होता है, वो आराम से बैठ के रात में खाना खाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वॉक लेते हैं और यहाँ पर बैठ कर चर्चा होती है। चर्चा जो घर है ना हमारा, उसमें बहुत ही बड़ा बड़ा नाम मेरा लिखा हुआ है घर के एक, मतलब एक बड़े से पोर्शन में ना बहुत ही बड़ा नाम पापा ने मेरा लिखवाया है। तो अद्विक को ना उससे बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, कहता है कि मेरा नाम लिखो या फिर इनका नाम काटो। ये जो 2 हफ्ते का वैकेशन हुआ है, ये इतना फास्ट गया है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। 1 हफ्ता प्रियंका के घर पे, 1 हफ्ता मेरे घर पे, ऐसा चुटकी में गायब। अब वापस जाते हैं, फिर से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट आप लोगों के लिए। तो जाने का वक्त हो गया है, सारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बैग है, एक बैग नीचे है प्रियंका के पास, एक बैग मैंने टांग रखा है। बोनस क्लिप। और भाई साहब क्या हाल चाल? अच्छा ये जरा निकाल के दिखाओ एक बार।